सी पैक जिसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, सब बलूचिस्तान से गुजरते हुए और बलूचिस्तान मेन वो जगह है जहाँ से सब चीज़ें जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं। और आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से कुछ इलाकों पे बहुत ज़्यादा तबाही है। हमारी दुआ है कि वहाँ पर सैलाब और जो बारिशों की वजह से लोग मुतासर हुए हैं वो जल्द अज जल्द उनकी ज़िंदगी की तरफ बहाली हो। आज हम अपने इस प्यारे से सूबे का कल्चर जो है सेलिब्रेट करेंगे, और इसका कल्चर इतना खूबसूरत है, इतना रिच है, सिर्फ ये कि हमें इसके बारे में ज़्यादा तफसील में पता नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ की लव स्टोरीज से लेकर हम यहाँ के फूड कल्चर तक, यहाँ के म्यूज़िक से लेकर यहाँ के रस्म व रिवाज तक, और ख़ास तौर पर शादी ब्याह के साथ जुड़े हुए जो रस्म व रिवाज हैं बलोचों के, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे मारिया? मैं बिल्कुल। अरे मारिया वाहिद हमारी वो मतलब मारिया ने और आज संदल ने दोनों ने जूते जो है वो पूरे अपने ड्रेसेस पहने हुए हैं जो कि ट्रेडिशनल है, लेकिन उसके साथ उन्होंने जूते प्रॉपर। लेकिन वो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि मैं इस दफा हमेशा हम शोज में आते, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये ड्रेसेस कितने प्रैक्टिकल हैं। और अगर आप हमारी खवातीन बलोची खवातीन को देखें तो जब भी हम अपनी मीटिंग्स पर, यहाँ हमारी बहुत सी वर्किंग वुमेन है, वो अपने बलोची कपड़ों के साथ कोट शूज या पंप्स कैरी करती हैं। जलाल साहिबा को एक चीज में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो उन्होंने हमेशा अपना कल्चरल ड्रेस हर जगह पहना है और बड़ी अच्छी तरह से कैरी किया। अच्छा आज सिर्फ ये नहीं, हमने गप्पे थोड़ी मारनी है, लड़कियाँ तो हम यहाँ पर हैं, हमारे बॉयज जो हैं जो कि बलोच कल्चर में, जो कि बड़ा अलग अलग है वो सारा सिस्टम हर कल्चर में, अगर आप कल्चरली देखें तो पठानों में भी मर्द और खवातीन अलग अलग उनकी रस्में होती हैं, पंजाब में भी इसी तरह होती हैं, बलोचों में भी इसी तरह होती हैं। सो अगर कोई ये कहे कि बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा यूं है और पंजाब में यूं नहीं, तो गलत है। ये और बात है कि हम सब जब थोड़े अर्बनाइज हो जाते हैं, शहरी हो जाते हैं, तो हम सब चीजों को जरा गड़मड़ करके एक मिक्स कल्चर जो है उसको ले आते हैं सामने। लेकिन इस वक्त हमने बाहर अरेंज किया हुआ है हमारे वो प्यारे प्यारे से लड़के जो कि आज के प्रोग्राम में बलोचों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बलोचों में सेहराबंदी की जो रस्म होती है वो आपके सामने बाहर की जा रही है। जी हाँ, क्योंकि हमारे हमारे जो बलूची ड्रेसेस हैं उसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि काम हर काम मुख्तलिफ है, तो मोस्टली ब्राइड्स जो हैं वो जो ड्रेस पहनती हैं उस पर अक्सर कुछ गोल्ड अटैच होता है, गोल्ड की एक तार के साथ काम हुआ होता है। लेकिन ये जो रस्म है जिसमें हम आगे मांग की रस्म करेंगे, इसमें घर के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने होते हैं। लेकिन इस काम को भी आप ये मत समझिएगा कि ये एक सादा सा काम है तो बड़ा सस्ता होगा, ये ड्रेस भी 20-25 हज़ार रुपए के काम से बना हुआ। अच्छा जी हाँ, इतना महंगा। आज मैं काम के बारे में बहुत सारे आपको चीजें, और आज हम आपको बताएंगे भी कि हमारी लड़कियां भी कितनी सुगढ़ है उसका भी थोड़ा सा मुजाहरा करेंगे। लेकिन अच्छा, कौन मांग कौन निकालता है दुल्हन की? अच्छा, मांग की रस्म जो है वो सिंबलाइज करती है नए सफर पे, कि आपकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाएगी, अब आप ससुराल चले जाएंगे। और ये रस्म और कौन निभा सकता है? भाई के अलावा। भाई वाजिद खान आइए, बंदूक से बंदूक उधर रख के आएंगे, बहन के मामले में सिर्फ प्यार हो सकता है और कुछ। ये मेरी बंदूक पकड़ो। रोजी है। और फरा, ये बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि इसके बाद से दुल्हन को पर्दे में बिठा दिया जाता है। कंघी बारीक नहीं है, साथ जुए भी लगा। मैं कह रही हूँ इमोशनल होता है, फनी बना दे उसको। वो हमारा तो काम है। अच्छा ठीक है, अब ये हो। अच्छा पहले मुझे सिखा दे। आप पहले बालों को थोड़ा सा इनके लूज करिए। हालांकि बाकी शेवे करता रहे लेकिन नहीं सीख रहा। मांग निकालनी है लड़की के पर्स में से पैसे। इस तरह पहले एक दफा बालों को ऊपर कीजिएगा, फिर मांग। अच्छा, मांग सीधी निकालनी है। बिस्मिल्लाह। मांग भाई ही क्यों निकालता है? भाई इसलिए निकालता है क्योंकि बाप की जो जिम्मेदारी है वो और बताया जाता है सिंबलाइज के, वो घर की तैयारियों में और इस तरह की जिम्मेदारियों में मसरूफ है। तो भाई का एक बहन से जो रिश्ता है उसकी 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 इम्पोर्टेंस को सिंबलाइज करने के लिए, उस मोहब्बत को सिंबलाइज करने। जीती रहो। अच्छा भाई, बड़ा हो या छोटा हो? हाँ जी, भाई ही हो, चाहे बड़ा हो या छोटा। छोटा हो तो वो भी कर सकते। अच्छा, भाई होता है, बड़ा हो या छोटा हो। अभी इनके सर पे दुपट्टा देंगे और इसके बाद अब ये पर्दे में आ गई, जब तक इनकी शादी नहीं। माशाल्लाह बहन मेरी मस्त लगने लगी। और इनका मुंह मीठा कराएंगे और भाई अपनी मोहब्बत देंगे, मुंह मीठा करवाएंगे, दुआएं देंगे। जी जी। अरे बेटा खुश रहो, अच्छे मुकद्दर हो, शुगर तो नहीं कि तेनू? भाई ने मोहब्बत में पैसे भी देने हैं आपने। तू खाला में नहीं 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 ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत बलोचों की रस्म है और बहुत मीठा करा है। ये तो मुंह मीठा करा रहे, क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं बताऊं, मुझे बहुत शोर मचावा। ए भाई जलाल खाने से बंदों की आवाज आ रही है, निकालो बंदूक। मैं बंदा ही चौला गया। मुबारक हो बेटा, माशाल्लाह, सदा सुखी रहो,
सदा खुश रहो, तुम्हारे अच्छे मुकद्दर हो, बस इतना ही कहा। सूखा सूखा प्यार, हां जी सूखा सूखा प्यार ले आओ सरों का तेल, मैं अभी चंपिंग कर दिया ना बेटा, इजाजत होवे ते अद्दा मैं खा लूं। भाई खा सकता है? भाई खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता भाई? की बात है ना, भाई को किस चीज का डर है? रसम पुठी ना करा देना, भाई के दिल कर रहे तो खा लेना। नहीं भाई बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, खुश रहो बेटे, सदा सुहागन रहो, पर्स संभाल के रखी, फरा पैसे भी कर लेनी होगी। ये एडवाइसेस बड़ी जरूरी होती है टाइम, शादी ब्याह के मौके पे बड़ा कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। अच्छा मेरा ख्याल है कि फिर बलोचों में सुहागने जो हैं वो मांग निकालती होंगी, क्योंकि अगर एक नए रिश्ते का या सुहाग के रिश्ते की आगाज जो है वो मांग निकालने से हो रहा है। जब वो ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे ट्रेडिशन की हम बात करें पुराने, तो मांग निकाल के दो चोटी बनाई जाती थी, और एक चोटी मतलब मांग एक नेसेसिटी थी कि वो लगे कि एक हेयर स्टाइल है जो स्पेसिफिक है बलोची ड्रेस के साथ। अच्छा ठीक है, उस हिसाब से हमने सोचा किसी ने भी मांग नहीं निकाली। फरा बात क्या है, फरा बात क्या है, जितने यहाँ जो हमारे कैरेक्टर उसका प्ले कर रहे हैं ग्रूम का, उन्होंने जो गोल्ड फ्रॉक पहनी है, आप अगर देखें एक वाहिद कल्चर है बलूची जिन्होंने अपना ड्रेस अभी तक वैसे का वैसा पहना हुआ है, रखा हुआ है, मुझे किया हुआ है। आप लोगों से भी शिकवा है भाई, आप में से किसी ने बलूची शलवार नहीं पहनी? वो दर्जी ने कपड़ा नहीं सिया, आपको पता है फरा, वो कैरी करना बड़ा मुश्किल है। पता क्या कपड़ा आपको बताती हूँ, वो 9 गज की शलवार होती है, मगर उसे कैरी करना मतलब जो दूसरे मेल्स हैं जो हमारी दूसरी कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं भाई हमें तो बकायदा कमर में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि वजन देखे ना, और कपड़ा हैज टू बी भारी वाला कपड़ा हो कि फॉल बने। ये देखे मारिया, ये बलोची है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं पहुंच गया तो मुछा मुड़वाला फिर। और ये जो हमारे भाई ने फ्रॉक पहनी हुई, हमारा ग्रूम जो है, ये जो फ्रॉक है ये ओरिजिनल ड्रेस है, वो बलोची सलवार, ये जो चुन्नट वाली फ्रॉक है ये ओरिजिनल, थोड़ा पीछे रहा तो दूल्हा शर्म नहीं आती, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता भी है और लग भी रहा है, और इसने जो पग भी पहनी हुई है वो भी बड़ी खूबसूरत, उसी तरह से डबल वो जो पल्ले वाली है ना, इसका कोई खास नाम है हमारे? नहीं, हम दस्तार कहते हैं इसको, और जिस तरह हम दूसरी जबान में पग कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, पगड़ा जैसे कल हम जिक्र कर रहे थे, तो ये दस्तार कहलाता है। लड़कियों लड़कियों ने भी दुल्हन का भी ध्यान भागते भाई, हम ट्रेडिशंस की बात कर रहे थे, ये जो लुक है ये बलोची फ्रॉक है या जो हमारे ड्रेसेस हैं, स्पेशली इस जेब का कॉन्सेप्ट बताएं। मैं इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें करें, मैं चाहूंगी कि हम सब आके डिस्प्ले करें ड्रेसेस, सबने फर्क पहना हुआ है, जैसे मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये एवरीडे ड्रेस है जो कि बलोचों की जिंदगी में मतलब बलोची खवातीन पहनती है अलोंग विद शूज, जो मारिया ने पहना हुआ है ये पूरा फेस्टिव है, फेस्टिव है और फ्यूजन है, मारिया ने शर्ट पहनी हुई है लेकिन उस पर कढ़ाई वो है टिपिकल, वो उसने लिबास नहीं पहना हुआ, वही बने हुए हैं जो हमारी संदल ने भी, उसको फेस्ट में कढ़ाइयां बहुत ज्यादा होती है, हर लिबास में कढ़ाई और हर एक मुख्तलिफ टांके से बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि बलोची खवातीन ये काम बहुत ज्यादा करती होंगी और करती हैं, तो हम सब जो कि फेक बलोच यहाँ पे बने हुए हैं हमने कोशिश की है कि हम सब भी देखें कि कौन कितना अच्छा बलोची टांके जो है या फिर जो भी फूल इसमें बने हुए हैं उनको खूबसूरती के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, बना हुआ है इसके ऊपर। हाँ अच्छा, मजेदार बात पर ये है कि हमारे हमारे मुल्क की जो ड्रेसेस है इकॉनमी के ऊपर, इनके रूरल एरियाज की खवातीन का काम बहुत ज्यादा, दस्तकारी बहुत ज्यादा है, शुरू करेंगे 1 2 3 गो, कंपटीशन कर लें, चले जी ये कंपटीशन ही है मेरा सबसे मुश्किल वाला, फिर हाँ ये कॉम्पिटिशन। अच्छा और एक ही धागे से हम बनाएंगे कलर? हाँ हाँ, ये आपके ऊपर एक फूल बनाना है, प्रोग्राम कल तक चलेगा? नहीं क्यों, ये इनकी स्पीड बता रही है कि कल तक चलेगा। तो मैं आपको क्या पता कुछ लोगों ने सुई पहली बार पकड़ी है। अच्छा ये जो आप लोगों ने बंदूकें पकड़ी हुई है, आपको पता है कि बंदूक यानी ठीक है ये चलाने के लिए, बोलो ये धागा जी, आप हमारे इलाके में मेहमान है इस वक्त, ये खूबसूरत बलोचिस्तान है, वो देखे तार पे चिड़िया भी बलोची बैठी हुई है, वो देखे बिल्कुल सही। अच्छा आप ना सारी ट्रेनिंग के बारे में, कहाँ कहाँ? मैं सिबी घूमा हुआ हूँ, क्वेटा देखा हुआ है, सिबी जैकबाबाद जहाँ दर्जा हालत बहुत ज्यादा, मैंने सारा बलोचिस्तान देखा हुआ है। हाँ, एक काम का हिंदी। अच्छा वेरी गुड, और तलत कहाँ कहाँ? जोब और उसके बाद ज्यारत, ये सब चीज जगह देखी है मैंने। मेहरगढ़ 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन। मस्तूम, जल्दी करो मस्तूम, कैसी बात है? एक जगह जिसमें मैं जी मैं आप गए थे,
कैसे मेहरगढ़ में क्या आपको मतलब कैसा फर्क है इससे गंधारा से मेहरगढ़ में, इनमें क्या डिफरेंस है? फर्क मैंने उस उधर यही देखा कि मुझे कोई बता रहा था देखो भाई ये मेहरगढ़ है। मैं ये कह रही थी देखिए बलूचिस्तान में एक जगह है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है सिपी, और एक है ज्यारत जहाँ ठंड कितनी पड़ती है। ये अल्लाह ताला का देखिए क्या हसीन है और क्या साहिल है बलूचिस्तान के, वहाँ पे कुंड मलीर और ये सारी साइड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये बलूचिस्तान लगता नहीं है, पाकिस्तान लगता है। सैंड के साथ बीचेस है वहाँ पे, गडानी है, कोई कोई गडानी आप गई जी? गडानी बिल्कुल, अभी गडानी में ड्रामा शूट है। अच्छा गवादर जिसकी हम इतनी तारीफ सुनते हैं, गवादर इतना खूबसूरत बीच है उसका, माशाल्लाह अल्लाह का शाहकार है पाकिस्तान के। गवादर इतना खूब, एक प्लाट ले दो ना उधर। आप ये देखिए कायदे आजम की रहायशगाह थी ज़ियारत में। हाँ जी चमन उधर ही बैठा हुआ है। नहीं बस क्या, और खाना पकवारी आपको पता है ज़ियारत का जब जिक्र आता है तो एक बात मैं शेयर करूंगी, वो है वहाँ का जंगली जैतून जो वहाँ पे ऑलिव्स हम हमेशा बड़े शौक से खा रहे होते हैं, अपने खानों में भी डाल रहे होते हैं और हम इम्पोर्टेड वाले खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ज़ियारत में ऑलिव उगता है पहाड़ों पे और काला और हरा दोनों, और वहाँ ऑयल निकलता है। लेकिन एक बात है माशाल्लाह फरा जी, ये सब वो लड़कियां अपने कपड़े भी नहीं उठाता, सबसे कम करवा रही है। हाँ, मैं क्या देखे तो सही ना यार कि हमारी बलोची जो नहीं बात नहीं, बड़ी सुंदर औरतें हैं हम। अच्छा देखना, मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 मिनट के बाद मैं ये रोकूंगी, और जब तक आप इसको बना रही हैं म्यूजिक हम प्ले करेंगे। मेरा ख्याल ये हो जाएगा म्यूजिक, बलोची कौन सा वाला डांस आप लोग परफॉर्म करें, लेवा या चाप? लेवा, अरे वो लेवा। चाप भी आता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम जरा कर ले, इसके बाद चाप भी करेंगे। सो बलोची लेवा डांस जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे और एंजॉय करेंगे। हमारी लड़कियों के पास सिर्फ ये दो मिनट है, 2 मिनट का डांस और 2 मिनट है जिसमें आप लोगों ने अपने जो भी आप कर रही हैं दस्तकारी ये मुकम्मल करनी है। सो आई ये खूबसूरत लेवा डांस के साथ ही टाइम खत्म हो गया भाई, टाइम खत्म। मारिया ने सबसे पहले रोक दो, यहाँ पे रोक दो, अपने अपने हाथ सुंदर संदल रोक दो यार, फारिया रोक दो, फारा जी इधर देखो, ये देखे फूल, गांव में किसी को चोट लग जाए ना तो अनपढ़ डॉक्टर ऐसे टांग के लगाता है। इधर पहले इधर से शुरू करना, इधर से आपने इनको फूल का बोला उसने कांटे बना दिए। ये देखिए ये मारिया ने फूल टांग, मारिया बातें इतनी और बनाया क्या, ये देखो कुछ समझ आ रही, बातों की है ना बस बात, मेरी बात सुने, मैंने शिकायत है मुझे सबसे मुश्किल डिजाइन मेरा, सबसे मुश्किल टांका फरा का था, कोई शक नहीं, लेकिन फरा ने सबसे अच्छा किया है और माशाल्लाह सबसे कम बनाया, सबसे माशाल्लाह के दांत बनाए, नहीं बहुत प्यारा, नहीं बहुत प्यारा, मैंने तो उसको फिल्म किया था बस, मेरा वो बहुत ज्यादा आज का भी अच्छा है, मायरा का भी अच्छा है। इसके बाद में टाइम खत्म होने के बाद तक ये करता ही नहीं आई, फरा ने बहुत अच्छा पढ़ाई करा, मायरा का भी मुश्किल टांका था लेकिन मायरा ने उसको इंटेलिजेंटली फिल्म किया, फिल्म करना किया किस टाइम, लेकिन ये बात नहीं कर रही टाइम के ऊपर का क्या बात थी, फरा ये कपड़ों के ऊपर का ये वाला मुश्किल है, और ये बाकायदा प्रॉपर टांका है, चेन स्टिक है, हां जंजीर टांका कहते हैं, सबसे अच्छा टांका लगाया फरा ने, ये मेरे जूते को भी दो लगा दो। इस तरफ आए, आए जी, आए जी, उधर आए, ये देखें ये लाडली बकरी ने कैसा बनाया। नहीं यार संदल ने भी बहुत खूबसूरत, देखें संदल ने भी ऐसा फूल बनाया है, संदल ये तो मामू की तस्वीर बना दिया, पूरा फूल बनाना तो आपने आज लिख दिया है, नहीं ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, वो बना रही है साथ, ये बन रहा है, इसको पानी दो कल तक फूल बन जाएगा, जितनी देर में गवादर बनेगा उतनी देर में ये भी बनेगा, संदल ने अच्छा बनाया। फरा वैसे आपके लिए कसम से तारीफ है, वाह वाह, ये देखिए पूछे क्यों तारीफ है, क्यों जिन्हें कभी घर भांडे नहीं धोते भी काम कर, नहीं सही बात है भाई, हम करेंगे क्यों नहीं करेंगे, करना है, करना है। इसने भी बहुत, फारिया ने भी बहुत अच्छा बनाया, फारिया नहीं बनाया कुछ, अच्छा ये पहली दफा बनाया लेकिन अच्छा बनाया भाई, सबके लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा खवातीन जो है वो कितना अब ये ड्रेसेस बनाती हैं? अच्छा इन ड्रेसेस की प्रोडक्शन अब पहले से ज्यादा है, मैं नीचे बैठी हुई, उसकी वजह ये है कि अब ये इंटरनेशनली बड़े रिकग्नाइज हुए हैं, इस बार रनवेज पर ऐसा भी मैंने, मेरी नजर से भी गुजरा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इन ड्रेसेस को टाइट्स के साथ और विदाउट दुपट्टा बताकर हाई बूट्स लॉन्ग बूट्स के साथ ये बताया गया कि आप इन्हें डेली वहाँ वेस्टर्न वेयर में भी पहन सकते हैं, तो अब इसकी मांग और इसकी कीमत उसमें इजाफा हो चुका है। सही, लेकिन ये आप अगर खरीदें और आप इसको डिफरेंटली पहनना चाहें कैरी करना चाहें तो ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज और स्टाइल है जो कि डेफिनेटली हमारा बलोची है और हमारा अपना है।
अच्छा जी, टांके तो सबने बहुत अच्छे अच्छे बना लिए। आपको पता है बलूचिस्तान में डिशेस भी बड़ी कमाल बनती है। बेहतरीन बलोच डिश क्या है? दम पोख। दम पोख नहीं, बेहतरीन बलोच डिश है खड्डी कबाब। खड्डी कबाब जो कि जमीन में खड्डा खोद के एक बकरे या दुम्बे के अंदर चावल और वेजिटेबल सब्जी अलग चीज अलग चीज है। अच्छा, ये अरेबिक नहीं नहीं नहीं, ये अरेबिक इंस्पायर्ड है। और क्योंकि ये देखे जैसे ज्वेलरी भी हमने जो पहनी हुई है ओरिजिन्स अरेबिया से है। हाँ, क्योंकि बलोच अपना जो ओरिजिन मानते हैं वो अरब से मानते, अरब जो लोग आए थे। अच्छा, किसको ये एजाज हासिल है कि किसी बलोच ने उसके लिए हंट किया हो और खड़ी बना के खिलाया हो अपने हाथ से? जी मैं जी नहीं, हम शिकार में नहीं हैं, लेकिन किसी ने स्पेशली किया है। मुझे ये एहसास हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कि मेरे हम लोग एक प्रोडक्शन कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और उसके जो डायरेक्टर थे वो बुगटी थे। आप लोगों ने देखा होगा ड्रामा सीरियल लाडला जो है, उसके ड्रामा सीरियल अकबर बुगटी, और वो सही वाले कमाल वाले बलोच थे, असली बलोच थे। असली बलोच थे, फोटोकॉपी नहीं थी, असली वाले। नहीं तो फरहा जी अयूब गोसो साहब सही है, बलोच नहीं है, है। मगर मैं जिनकी बात बता रही हूँ सरदार बलोच। अच्छा, जी बलोचिस्तान में जैसा खाना मैंने खाया आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया। क्या क्या है? मैंने उधर जाके भी पल्ले से ही खाया। हमने एक ड्रामा किया था मारिया ने मेरे इकट्ठे, इन्होंने भी वहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी की थी, और हम लोग बहनों का कैरेक्टर कर रहे थे, और इसने वाकई बहन बन के दिखाया। इतना ज्यादा ख्याल रखा इन लोगों ने मेरा। फहीम शाह का बलोच लोगों में ये कमाल है कि वो बहुत मेहमान नवाज, बहुत लविंग लोग। आपने शिकार की बात की, तो जब आपने ये हंटेड गोश्त खाया था तो क्या आपने पत्थर पे लिपटी रोटी भी खाई थी? बिल्कुल खाई थी जी। अच्छा बताइए ना, साथ उसके साथ अब उन्होंने क्या किया कि वो लगा कर ना बैठे हुए हैं और वो बन रहा है, भूख से बुरा हाल है, मैं कह रही हूँ कब बनेगा। तो उन्होंने एक बात की जो आज तक मुझे नहीं भूलती, उन्होंने कहा कि सज्जी आंखों से पकती है। वाह भाई, देखते रहे। अब उसमें जो महफिल जमती है ना, जब वो आपने दरमियान में जिसे हम कहते हैं बॉनफायर, जी जी, जब आपने आग लगाई हुई है और सज्जी लगाई हुई है और साइड्स पे आप सब लोग बैठे हुए हैं और आप अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या बातें कर रहे हैं, पूरा बजा रहे हैं, आप रबाब बजा रहे हैं, बलोचिस्तान का नाम ही नहीं है। इतनी खूबसूरत महफिल होती है जो कि असल बलोचिस्तान की कल्चर है, जो बलोचियों का एक अंदाजे मतलब सब लोग मिलके खाते हैं, ये नहीं कि अलग अलग प्लेट्स में डाल के। कोशिश करते हैं कि सब लोग मिलके, और ये हमेशा होता है। आप दावतों में बैठे हैं, आप भूख से बुरा हाल है, लेकिन वो फ्रेश आएगा, फ्रेश दुम्बा कटेगा, फ्रेश बनेगा, चाहे उसमें 3 घंटे लग जाए बर्दाश्त। हाँ, वो दाल पता क्यों करते हैं उसके गिर गिर। वो गोश्त गल जाए। मीठे का भी तो बताएं, मीठे में स्पेशल क्या है? मैं अच्छा, हमने खाने की इतनी बात कर ली है तो हम ब्रेक लेंगे और हम कुछ खाने की तरफ भी चलेंगे। जब आप इतनी चीजें बता रहे हैं तो फिर कुछ दूल्हा दुल्हन हमारे जो है बिल्कुल खामोश पीछे बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए। दूल्हा मेरा आगे आए ना, आज इतना खूबसूरत दूल्हा जो है वो लग रहा है। जितने हमने सुबह के किए हैं ड्रेसेस, कल्चरल ड्रेसेस, सबसे खूबसूरत दूल्हा आज का। क्या बात है, हम एक देख लेंगे और देख के बाद फिर आप सुनाएगा। कार भले वो कोई भी हो, जब बलोची आवाज और अंदाज में गाते हैं ना तो खूबसूरत कमाल लगते हैं। हमने टास्क सिंपल दिया, आप वो रोटी तो बना नहीं सकते जो पत्थर पे आटे में लपेट कर उसे आग में डाला जाता है। बड़ी चपाती इतनी बड़ी, मतलब वो ऐसे ऐसे उनके साइड में डलते हैं, उल्टे हाथ ठीक है। आप सीधी सीधी रोटी बनाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर्स के लिए टास्क है, लड़कों के लिए, सबके लिए, कि हमने डिवाइड किया हुआ है। कुछ हमारी खूबसूरत लड़कियां जो है उनके पास आटा है और कुछ खूबसूरत लड़कियों के पास पानी और बाकी चीजें हैं जो कि आपको रोटी बनाने के लिए चाहिए। अच्छा। अब एक अच्छे पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी खातून पार्टनर को सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छी से रोटी बना सके। जो जितना जल्दी बना लेगा वो विनर होगा, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट नाउ।
ختم, ٹائم اوور, بند بند ختم. جیسی بنی ہوئی پلیٹ میں رکھیں اور لیں. ٹائم ختم ہو گیا. بس 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 ٹائم ختم. روٹی روٹی رکھیے, روٹی رکھیے, نتی لے کے آنی ہے, اسی میں لے کر آنی ہے. جلدی 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 جلدی. وہ ہماری بن گئی, یہ تو پارٹ 2 ہے ہماری بن گئی. ہم نے ایک اور بھی بنا لو نا, دو بنا لی. پلیٹ میں رکھ, دو پلیٹ تو کافی ہے میرے پاس. پلیٹ اسی پلیٹ چلے لے کر آئیں, رکھے ادھر. سارا آ جاؤ 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 جاؤ, سیکنڈ آئے گا. ٹائمنگ کی بات ہے, سیکنڈ وہ آ گئے. چلے اس کی آنچ بن رہے. تھرڈ یہ ہے, کچی روٹی. ایک منٹ ٹھہریے, اس سائڈ کی ہوا نہیں لگ رہی تھی. سب سے پہلے بنا کے تو لائیں. آ گئی, سب کی آ گئی. ایک منٹ, سب سے پہلے بنائی ہے سندل نے اور واجد خان نے. سندل اچھی ہے, روٹی اگر صحیح ہوگی تو وہ روٹی ہوگی. اچھا روٹی کی ہر چیز کے نمبر ہوں گے. پہلے کس سے بنائی ہے, کسی اچھی بنائی ہے, کسی صحیح بنائی ہے. اچھا روٹی بنائی اس کو آگے بالکل بھی نہیں کہیں گے. آپ کو روٹی ابھی تو کبھی بنا رہے ہیں بھائی, تندور پہ رکھ کے آ جاؤ. تندور بند ہو گیا, جلی ہوئی تھی ہماری, وہ جلی ہوئی تھی ہماری, پکی ہوئی ہے. وہ تو کہیں گے ایک منٹ, یہ کچی ہے. کون سی؟ یہ دیکھو یہ کچی ہے. منا وہ والی پکی کچی. ایک منٹ, نہیں 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 آ تو گئی نا. اجے تھوڑا دوسری بھی آ گئی, دوسری چیک کریں ذرا. یہ لے. اور ہمیں واجد خان کا ایک اور سکل پتا چلا ہے کہ بڑی زبردست روٹی بناتے ہیں. وہ ابھی گیس آپ کو پتا ہے, ہوا لگ رہی ہے. پکی یہ ہوگی. اوکے یہ پکی ہوگی. اوکے سیکنڈ نمبر پہ کون آیا؟ فرح آئی تھی سیکنڈ نمبر پہ. یہ ایک پاکستان کا نقشہ بن گیا. آٹا میں نے گوندا, آپ نے دیکھا نا پہلی والی روٹی کا آٹا اچھا نہیں تھا. کھا کے بتاؤ کیسی. سیکنڈ آئے تھے, نہیں علی انجم اور مائر آئے تھے. یار واہ 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 علی انجم, تھینک یو. سارا علی انجم نے گوندا ہے, روٹی بھی گول ہے اور دونوں سائڈ سے پکی ہوئی بھی ہے. سب سے آخر میں آئی ہے فاریا کی اور چاند برال کی روٹی, اور یہ کچھ چکور چکور بنا دیے. پاکستان کی روٹی کم از کم کھانے کے قابل ہے, یہ ٹیسٹ لیس نہیں ہوگی. اوکے روٹی, اب مقابلہ ہے دو روٹیوں میں. یہ سب سے اچھی روٹی, ٹھیک ہے, اور یہ سب سے پہلے پکنے والی روٹی. کس کے حق میں فیصلہ دیا جائے؟ سب سے پہلے پکنے والی روٹی. کھانا جلدی آیا یا دیر سے آیا؟ کھانا اچھا ہونا چاہیے, روٹی گول ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. ایک منٹ ایک منٹ, ایسا کرتے ہیں اپنی روٹی پکڑو اور اس روٹی کا کے لیے سپورٹ مانگے آپ کی. پلیز ہماری روٹی کے لیے ووٹ کر رہی ہوں میں آپ سے. آپ سے میری گزارش ہے, ادھر سائڈ پہ ہونا سر تھوڑا. آپ لوگ آپ دونوں پہلے اپنی روٹی لے کر آئیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ دونوں آئے. ہاں جی آپ اس روٹی کو سیل کریں, کیا فائدہ؟ اچھا اچھا یہ آپ نے دیکھا, کافی محنت کی میرے پارٹنر سندل نے بھی. خدا کے لیے ہمیں ووٹ کریں, نہیں تو 5 منٹ بعد رہنی نہیں. ہاں جی کچی اس لیے رہ گئی کیونکہ جس سائڈ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے ادھر ہوا کا زیادہ تھا, زیادہ گرم نہیں ہو سکا تھا. چپ کہہ جائیے اور دیکھیں. اوکے ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم آئے. اب انہیں اب انہیں ٹھیک ہے, اب علی انجم اور مائر. جی السلام علیکم. جی ہم نے روٹی پکائی ہے جی, بڑی محنت سے روٹی پکائی ہے جی, بڑی دیر لگی ہے. اللہ کا واسطہ سالن ڈالن دے دے تھوڑا سا. دیکھیے جی روٹی جو ہے ہمیشہ گول اچھی لگتی ہے. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اسے کھانے کا بالکل مزہ نہیں. یہ روٹی ہماری والی روٹی کھا کے آپ کو کھانے کا مزہ بھی آئے گا. اب بتائیں کون جیتا؟ فلسفی کی کسی بھی بک میں نہیں لکھا کہ روٹی گول ہی اچھی ہے. صحیح ہے, اپنی شیف کی بتا دیں. آپ گھر میں بیٹھ کر کھانا بنا کے رہتی ہیں تب تو بڑے آپ نخرے کرتے ہیں روٹی گول نہیں, میں تو نہیں کھاؤں. اچھا اس روٹی
इससे एक और बात भी पता चली है, वो ये कि अगर पार्टनर साथ अच्छी तरह से शामिल हो ना तो भले बहुत सारा कुछ ना भी आता हो काम सही हो जाता है। ये बात अली अंजुम ने बहुत अच्छी तरह आटा गूंदा, अच्छा आटा गूंद के मायरा को दिया ताकि मायरा ने फटाफट रोटी, और ये आपने कभी खाई नहीं, ये रहने दो रुमाल से काम आएगी, ये रखे मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, भाई सामने वाले घर का तोहफा है, ये सामने वाले घर में दाल बाटी है इसमें दाल भी खाओ, ये शादी का तोहफा है। हां जी प्लीज, हां आई आई, हां I've heard के दुल्हन भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है तो एक वोट इनका भी होना चाहिए ना जी, जो दो शॉर्टलिस्ट किए। देखो हमने ये रोटी रखी थी ना, कौन सी अच्छी है हमारी रोटी तो दिखाएं, टेस्ट में कौन सी अच्छी है, मैं अपनी जो आपके ओरिजिनल्स में इसका मतलब ये है कि जो लोग रंग गोरा नहीं भी चाहते वो चाहते हैं सिर्फ फ्रेश आ जाए लेकिन मॉइस्चराइज रहे स्किन, ग्लो रहे स्किन के ऊपर, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इस्तेमाल करने का तरीका क्या है इसका? हाँ, इसका इस्तेमाल करने का तरीका इज प्रिटी इजी, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर कि जब व्हेन यू आर वॉशिंग योर फेस उसको हल्का सा डैब करके हल्का सा मॉइस्ट फेस के ऊपर आप इसको किसी भी प्रोडक्ट को लगा लें, बेशक वो इनका सीरम हो या इनका क्रीम हो ट्यूब हो, आप सिंपली उसको अप्लाई कर उसके थोड़ी देर बाद आप उसके उसको यूज कर सकते हैं। इवन हाँ, इवन बिफोर मेकअप भी दिस कैन बी यूज एज अ प्राइमर एज वेल, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप ये ट्यूब उससे पहले जैसे जिनकी थोड़ी ऑयली स्किन है आप ट्यूब लगा लेते हो आप मेकअप अप्लाई करो बहुत ईजी रहता है, बट एट द सेम टाइम जिनकी जैसे फॉर मी आई एम वन ऑफ दोज जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, सो आई वॉज पर्सनली वेटिंग फॉर देयर सीरम जो कि अब आगे विच वॉज लाइक द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट आई वॉज वेटिंग फॉर, नाउ इट्स हियर, आई हैड दिस वेरी ड्राई स्किन विंटर्स में तो आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम उसको, द मोमेंट आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सीरम इट हैज हेल्प मी सो मच कि मेरी स्किन को बैलेंस कर देता है और बस इजिली आप सिर्फ तीन चार ड्रॉप्स लगाओ अपने स्किन पे, रब इट हल्का सा एंड देन यूज इट एज अ प्राइमर। आपने बहुत सारी हमें बता दी उसकी इक्वालिटीज, नंबर एक मॉइस्चराइज करती है, नंबर दो दाग धब्बे छाइयों के ऊपर काम करती है, नंबर तीन आप कह रही हैं कि अगर आप इसको प्राइमर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, नंबर चार आप कह रही हैं इसमें एज का भी फैक्टर है, ग्लो भी आ जाता है इसके इस्तेमाल करने से, लेकिन हम तो फिर उसी पे आएंगे फारे, हम क्या कहते हैं जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल, तो जो फेस फ्रेश वाला है वो कैसे होगा, मतलब वो कितने दिनों में और कितना जल्दी? फेयरनेस की तो बात चले कर लिया, अगर आप फ्रेशनेस की बात करते हैं इसमें एक और फैक्ट ये कि इसमें आपकी रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल्स भी हो जाती है बिकॉज इसकी प्रोडक्टिविटी रेट इस तरह से उसका फॉर्मूला है कि बहुत फास्ट है, फॉर इंस्टेंस अगर लाइक शादी है आपको पता है शादी का सीजन है कुछ भी है और तो उसमें आप शादी में तो दिनों में चाहिए होता है आपको इंस्टेंट फेयरनेस के साथ ग्लो चाहिए, यू नो आपको फ्रेश स्किन चाहिए, फेयरनेस सबसे पहले चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हो। अगेन अगर आपको जैसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आप इसको खाली सीरम के कुछ ड्रॉपलेट्स यूज करें देन अप्लाई मेकअप ठीक हो जाएगा, बट आपको अब जैसे कि आप सकते हैं कि कैसा है सीरम फील में कैसा है जी, फेस फ्रेश करने का एक और भी तरीका है वो क्या है, आप मेरी जेब में पैसे डाले मेरा फेस फ्रेश हो जाए। नहीं ये आजकल की बात है फरा जी, देखें आजकल क्रीमें आ गई फेस फ्रेश के लिए, पुराना दौर अच्छा था औरतें खट्टी लस्सी नाल मुंह धोंदियां सी ना दाड़े नेड़े लगदे सी ना बच्चे नेड़े लगदे सी, लेकिन इसका इफेक्ट उसी टाइप का ही है बिकॉज इसका कोई नुकसान नहीं है, इट्स वेरी अच्छा। आपके कहने का मतलब ये कि मतलब जैसे हर्बल किसी प्रोडक्ट यूज करने का फायदा जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, साइड इफेक्ट बिकॉज इट्स बेसिकली क्लिनिकली टेस्टेड स्पेशली बाय पाकिस्तान स्टैंडर्ड और आईएस एसोसिएशन, वो सर्टिफिकेशन तभी देती है व्हेन दे नो कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स फॉर एनी स्किन। अच्छा, ये सीरम जो है ये फेस पूरे पे अप्लाई किया जा सकता है, जिन लोगों को स्याह हल्के हैं उसके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, आपको अगर थोड़े बहुत फ्रेकल्स हैं या जिनकी स्किन अल्ट्रा वायलेट रेज से बहुत कहते हैं ना सेंसिटिव है उसको भी अगर आप अप्लाई करो तो एज अ यूवी प्रोटेक्शन कवर भी यूज हो सकता है, यानी सनब्लॉक भी सेंसिटिव हर तरह के लिए मॉइस्चराइजर है। हां बिल्कुल, आपके लिए तो बहुत ही मॉइस्चराइजर है। मायरा थोड़ा सा ये देखो मैं आपके ऊपर ये सीरम देती हूं, इधर हाथ हाथ करो आगे हाथ करो ठीक है, हाथ पे लगा ले इसको अप्लाई करो इसको रब करके देखो ना कि कैसा इस पे आपको फर्क जो है वो फील होता है, स्किन में कितना जज्ब होता है, हाँ कितना एब्जॉर्ब होता है और किस तरह से उसका फील होता है। इधर भी इधर भी इधर ये डॉट लगा दे, मैंने कड़ी ले दे, हमें तो ज्यादा ये होता है कि मेकअप से मुझे फीडबैक देना है कि है लगा सकते हैं, सो इट्स दैट सॉर्ट तो ये बहुत अच्छा है बेसिकली इसकी इट्स वेरी लाइट सो एब्जॉर्प्शन इज प्रीटी फास्ट इसकी वजह से। अच्छा, इसमें और क्रीम में जैसे ये फेस फ्रेश सीरम में और क्रीम में क्या फर्क है? क्रीम का अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये है कि जनरली व्हेन इट कम्स टू दिस जार ये आप जनरली विंटर्स में यूज करते हैं बिकॉज इसका जो फॉर्मूला दैट्स अ लिटिल थिक, ठीक है थिकर, ऑब्वियसली विंटर्स में ड्राइनेस होती है तो यू नीड अ मोर थिकर कोटिंग, तो आप विंटर्स में ये यूज करो आपकी स्किन ड्राइनेस और पैचिनेस खत्म हो जाएगी, व्हेन इट कम्स टू क्या कहते हैं समर्स तो आप जैसे सीरम है लाइट वो है वॉटरी है थोड़ा इसी तरह आप ये ट्यूब यूज कर सकते हो, तो इट्स जस्ट के इनका फॉर्मूला इज सेम बट थोड़ा सा डिफरेंट इन द वे कि आप यू नो अकॉर्डिंग टू द सीजंस आप एडजस्ट कर सकते। अच्छा, अब मैंने ये लगाया है फेस फ्रेश सीरम
तो ये गोरा करने का काम जो है कितना इंस्टेंट करेगा? गोरा करने का काम इंस्टेंट लाइक विद इन अ फ्यू डेज कर देता है. लाइक अगर आप इसको करते रहते, इसको लगाते हो कॉन्स्टेंटली लाइक एवरी डे, तो आपको विद इन अ फ्यू वीक्स आपको यू कैन यू नो सी द रिजल्ट्स. अलॉन्ग विद दिस एक और इसके साथ एडवाइस दिया है कि अगर आप बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाह रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस शादी है जैसे कि आई जस्ट मेंशन किया, फॉरन वो चीज है, तो आप इसको ये कर सकते हो कि वंस यू अप्लाई द सीरम उसके साथ यू कैन यूज दिस ट्यूब. मतलब आप यू कैन जस्ट यूज मिक्स दिस ट्यूब विद दैट, तो इसका जो इफेक्ट है डबल हो जाएगा. अच्छा, दिस यानी पहले सीरम अप्लाई करें, पहले बेशक आप पहले अप्लाई कर लो या आप इकट्ठा दोनों को मिक्स कर लो. Like, you know, if you mix these two things together and then you apply it on the face, तो उसका effect बहुत जल्दी हो जाता है. यानी ये face fresh cream इसमें और जो वो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है. इन दोनों, हाँ, इनमें कोई फर्क, इस packaging का फर्क. हाँ, packaging का फर्क है. आप इसको समझ में भी use कर सकते हो, but it's better. Like suggestible ये है कि आप इसको winters में use कर लो और इसको और बाकी चीजों को आप समझ. और आपका क्या, लेकिन आप overall general कर भी सकते हो, there's no harm in it. Audience में से कोई try करना चाहेगा कि कैसा इसका feel है और कैसा इसका result है? आप करना चाह रही है? कभी दिल चाहता है फौरी तौर पे फ्रेश और गोरा होने को? हाँ, हाथ कीजिएगा अपने हाथ के ऊपर, इसको अच्छी तरह से रब करें, अब्जॉर्ब करें और फिर मुझे बताएं कैसा लगता है. आप भी कीजिए, ठीक है? लाएं, आप भी करें ताकि डिफरेंट एज फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर हमें पता चल जाए कि कैसा इफेक्ट आता है. आप लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि आज बहुत सारे गिफ्ट हैंपर्स हैं आपके लिए. फारिया और फरा, मायरा आना यार सब लोग. ये हमारे गिफ्ट हैंपर्स हैं जो हमारी ऑडियंस के लिए हैं और आप सब ये फेस फ्रेश की खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं ये साथ लेकर जाएंगे ताकि आप इसे ट्राई कर सके, अच्छी तरह इसे अब्जॉर्ब करें और देखें कैसा आपको रिजल्ट जो है फील होता है. आप देंगे इन सब लोगों को ताकि हमारी सारी ऑडियंस जो है वो आज फेस फ्रेश के गिफ्ट लेके जाए. अच्छा, मैं तो ये गिफ्ट दूंगी जो मुझे बताएगा कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है. फेस फ्रेश के प्रोडक्ट्स आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच. इनको माइक दीजिए. अच्छा, आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको? एब्जॉर्ब हुआ है अच्छी तरह से, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल. अच्छा, और आपके हाथ थोड़े ड्राई थे. ये देखो ना, अगर आप कैमरे में देखें तो अभी फौरन फर्क जो है हमें फील हो रहा है क्योंकि इनके हाथ यहाँ पे ड्राई थोड़े से फील हो रहे हैं. और ये मैंने अभी फेस फ्रेश प्रोडक्ट अप्लाई किए तो ये वाला हाथ और इस हाथ के टेक्सचर में एकदम से फर्क आ गया. यानी वो मॉइस्चराइज भी कर रहा है थोड़ा सा उसको. और मजे की बात, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो कोई भी किसी भी एज का बंदा या बंदी या कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए. अच्छा, मेरे पास ये है भी. आपका तो रंग वैसे ही बहुत गोरा है, नहीं मिला इनको भी दे दीजिए. लेकिन आप जब इसे अच्छी तरह से ड्रॉप करेंगी तो आप ये देखें, अभी से ऑडियंस ने शेयर करना शुरू कर दिया है कि इनके इस हाथ पे हमने नहीं अप्लाई किया था और अभी हमने अप्लाई किया है फेस फ्रेश ये क्रीम यहाँ पर और फौरी तौर पर आप देख सकते हैं कितना विजिबल है एक डिफरेंस है आपके हाथ पे भी. इनका रंग हालांकि ऑलरेडी फेयर है लेकिन इनके हाथ पे हमने फेस फ्रेश क्रीम अप्लाई की तो आप देख सकते हैं इस हाथ में. थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट छोड़ के दोनों हाथ ऐसे सामने करोगे तो इस हाथ में और इस हाथ में जो डिफरेंस है वो आपके सामने एक ग्लो, एक फेयरनेस, एक स्मूथनेस जो है वो उसमें आ गई है. अच्छा, ये फौरी तौर पे एप्लीकेशन का फर्क. इसके साथ साथ आई लाइक टू से के उनको भी आपको भी दो. अच्छा अच्छा, ये वाला अच्छा, ये मेरे एक सवाल का जवाब देना. नहीं नहीं, हमें कोई सवाल नहीं करना. नहीं नहीं, मैं हमारी फेस फ्रेश की ऑडियंस है उन सब लोगों का थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अच्छा शैनम जी जी, फेस फ्रेश जो है अच्छा शैनम, इसके अलावा आप क्या मतलब बताना चाहेंगी कि जिनकी शादी है और वो फौरी तौर से रंग गोरा करना चाहिए जैसे ऑडियंस को तो एकदम से रिजल्ट, ये लास्ट कितना अरसा करेगा? ये लास्ट करेगा, देखिए जितनी देर आप यूज करते रहते हैं बिकॉज इसको कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं. अगर आप इसको साथ साथ यूज करते रहते हो आपकी स्किन हेल्दी ही होगी, साथ फेयरनेस भी हो जाएगी. हाँ वो ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू स्टॉप यूजिंग एंड यू डू नॉट यूज इट फॉर योर ईयर्स तब तो लाइक ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज इट अगेन. लेकिन ये कि अगर आप छोड़ भी देते हो तो इसका इफेक्ट एटलीस्ट अ फ्यू वीक्स मंथ्स तो रहेगा. ठीक है, तो ये सीन है. इसके साथ साथ आई लाइक टू मेंशन अ फ्यू टू मोर फैक्टर्स जो कि बहुत इसके लिए डिफरेंट है. वो ये है कि दिस इज वेरी इकोनॉमिकल. जनरली हम ये देखते हैं कि जी प्रोडक्ट्स आज लोग वैसे ही देखे डिसहार्ट हो जाते हैं, यू नो व्हाट्स द यूज ऑफ गेटिंग इतना समिंग, यू नो नो नीड फॉर इट. इकोनॉमिकली और इजीली अवेलेबल है, आप देखो किसी भी स्टोर से. शायद बहुत सारे लोगों को लगता है जैसे ऑडियंस को मैंने हाथ पे अप्लाई किया है, फेस पे तो आप बाद में करेंगे डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे लोग अपने हाथ काले हो जाते हैं ड्राइव करेंगे या आगे तो हाथ काले, पांव काले हो जाते हैं. सनस्क्रीन भी यूज हो सकती है बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन को प्रोटेक्शन देती है, तो इसमें जितने भी जो रेज होती है जिनकी हाई पिगमेंटेशन हो जाती है उसको प्रोटेक्ट करती है, तो बेसिकली एक्ट एज अ शील्ड. अच्छा, सन ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये आपका सोप है? जी जी, सोप. एंड दिस इज फेयरनेस सोप. दिस इज अगेन अ फेयरनेस सोप. अब सिंस ये
फेस फ्रेश ब्रांड है तो इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सब में व्हाइटनिंग एजेंट तो है ही है. उसके साथ साथ व्हाट वी प्रोवाइड इज की वी प्रोवाइड डिफरेंट क्वालिटीज जो कि सिंपल फेयरनेस के अलावा भी स्किन को हेल्दी रखती है विच हैज नो साइड इफेक्ट. तो इस सोप को भी आप यू नो आप ड्राइनेस अगर आपकी स्किन ड्राई है आप उसके लिए यूज कर सकते हो. बहुत ज्यादा ऑयली है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो. एंड सेकेंडली दिस सोप हैज अ डबल पैकेजिंग विच शोज की यू नो देयर आल्सो वेरी कंसर्न अबाउट द हाइजीन के सिंपल वन पैकेजिंग ही डबल पैकेजिंग है. ठीक है इट्स मेडिकेटेड टू. बिल्कुल सही. और ये पूरी बॉडी पे आप अप्लाई करें जिसका मतलब है कि आपको ओवरऑल फेयरनेस चाहिए पूरी बॉडी की ग्लोइंग इफेक्ट सूदिंग इफेक्ट सब उसमें मिल जाएगा. अच्छा आप लोगों ने नहीं ट्राई किया मायरा सवाल करना चाह रही थी. सवाल तो हमने नहीं किया लेकिन ये कि इसको अप्लाई करके अपना अब आप लोगों ने फीडबैक देना है कि आप लोगों को कैसे लगता है. ऑडियंस को तो एकदम से रिजल्ट जो है ना वो फील हो सब 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 जल्दी से करेंगे फिर मैं लड़कों को भी अप्लाई करूंगी इसमें. अच्छा जल्दी से मुझे फीडबैक. अच्छा इज दिस फॉर पेरेंट्स. हां ये नहीं चाहिए मैं कह रहा टाइम देखो क्यों ये क्या ये बॉयज आई को अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करें ना. हां जी हां ये देखिए इसको ऐसे मसाज करनी है. अरे दोनों चीजें अच्छे तरह से इसे ब्लेंड करते. अच्छा फरा मैं ये कहना चाहूंगी देखिए मैंने इस एरिया पे किया है यहां नहीं इसमें थोड़ा वैनिशिंग इफेक्ट है और बहुत एकदम से स्किन को मैटिफाई कर रहा है एक मैटिफाइंग इफेक्ट है. ठीक है तो ये तो मेरा मुझे ये अच्छा लगा है. आप लोगों को आपको कैसा लगा है संदल. सो संदल के देखो हाथ पे एकदम से संदल के हाथ पे भी रिजल्ट कि यहाँ पे थोड़ा फॉरन इंस्टेंट जो है ना इसीलिए तो कहते हैं जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल क्योंकि रंग नहीं हो रहा हुआ एकदम से जाहिर है फॉरन लेकिन एक फ्रेशनेस आ गई है एक फेयरनेस आ गई एक ग्लो आ गया है जो उसके हाथ पे विजिबल है. यानी अगर आप इंस्टेंट भी लगाएंगे तो फौरी तौर पर भी इतना रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा. इतना मैटिफाइंग इफेक्ट है तो बहुत अच्छा है मेकअप. हां तो बहुत ही मेकअप के लिए अच्छा. फेस फ्रेश के बाद हाथ फ्रेश. हां बिल्कुल सही है. लेकिन आप क्या बोलेंगे आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा फेयरनेस में स्पेशली. हां जी सॉरी वाइटनिंग में डिफरेंस फील हो रहा होगा एक हाथ और दूसरा. जी 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 अच्छा जी मैंने दोनों पे लगाया तलत अपने हाथ दिखा रहा था तलके मेरे हाथ भी बड़ा चल रहा था. मैंने दोनों पे लगाया और मुझे लग रहा है ये मेरे हाथ है ही नहीं. ऐसे करें आप ये देखें ये देखें फरा हाथ फ्रेश मुंह माठा. लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा ना फौरी तौर पर लगा के हम कहते हैं कि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल के एकदम से रिजल्ट हमें मिलेगा जिस चीज का तो ऑब्वियसली उसका फिर हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी मिलेगा. थैंक यू शैनम. एनीथिंग एल्स जी जी आई जस्ट लाइक टू मेंशन ये मैं क्रीम लगा के जब अपने घर जाऊंगा मेरी बीवी बोलेगी ये कौन आदमी आ गया ये तो वो है ही नहीं. अच्छा बिल्कुल अच्छी बात है. इसके साथ आई जस्ट लाइक टू से कि सिंस जनरली देयर आर पीपल जो हर रोज नहीं जा सकते बाहर मार्केट में ये वो तो उनकी ईज के लिए अवेलेबिलिटी के लिए व्हाट वी हैव डन इज कि हम ऑनलाइन बेस को क्या कहते हैं ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं डिलीवरी है तो पीपल कैन ऑलवेज ऑर्डर इट ऑनलाइन. ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए वो क्या करें वी हैव द पेज बाय द नेम ऑफ फेस फ्रेश फेसबुक पे आप उधर जाके उनके मैसेज करें एंड देन दे'ल रिप्लाई विद इन मिनट्स एंड देन दे कैन पे. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच. आप सबको प्रोडक्ट एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट मिली है. ट्राई कीजिएगा फीडबैक दीजिएगा. विल टेक अ ब्रेक. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्यारे बलोचिस्तान का कल्चर एंड वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक. खूबसूरत हमारा बलोचिस्तान जहाँ पे संगलाक पहाड़ है जहाँ पर बहुत वसी इलाका है खाना बदोश लोग हैं ज्यादा अभी जी बिल्कुल और पहाड़ों में रहने वाले और उस जिंदगी को वो इस तरह इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं जैसे वो शलवार और वो एक ड्रेस का जिक्र हो रहा था. आपको पता है वो जो इतनी बड़ी शलवार है ना वो सर्वाइवल में बड़े काम आती है क्यों? गर्मी से क्योंकि वो गर्मी सर्दी आपको हमेशा बचाती है और एक ये सिर्फ
سب سے بڑی بات یہ جیب کی جو سگنیفیکینس ہے کہ خواتین اپنی ضروری چیزیں ہیں اپنے اپنے ضرورت کی چیزیں اور یہ جیب پیسے جیب میں رکھتے ہیں. اس کا نام جیب نہیں ہونا چاہیے, اس کا نام ہے, اس کا نام ہے زنبیل, اس کا نام ہے زنبیل. یہ دیکھیں گائز, یہ دیکھیں 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 خواتین کے پیسے ہوتے ہیں وہ جو مسواک کرتی ہیں وہ رکھا ہوتا ہے, زیادہ تر لانگ ہوتے ہیں جو ماؤتھ فریشنر کے طور پہ رکھے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ٹریڈیشنلی پہلے پہنی جاتی ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے اس جیب کی, جی جی, وہ ادھر سے نا امپورٹڈ قیمتی پتھر ملتے ہیں وہ بھی اٹھا کے اس میں سیو کر لیں. اور ایک اور وجہ بھی ہے, کیا یہاں پہ بندوق رکھا ہوتا ہے جو کام تنگ کرے نکال کے. اچھا اچھا, ڈریس کا کٹ اتنا خوبصورت ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہر 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 کنڈیشن میں خاتون بڑے آرام سے پہن سکتی ہے, خاص طور پہ جب پریگننسیز میں بھی جاتے ہوں گے تب بڑے کمفرٹیبل بڑے آرام سے آپ اسے پہن سکتی ہیں اور اپنا موٹاپا بھی چھپا سکتے ہیں. لیکن بلوچی خواتین عموماً زیادہ موٹی نہیں ہوتی, بہت خوبصورت جینیٹکس ان کی ایسی کچھ ہے, موٹی نہیں ہوتی. اچھا دوسرا, ابھی ہم جو کھانا بنانے لگے ہیں یہ سویٹ ڈش ہے, بلوچستان کی خاص سویٹ ڈش ہے. اگین سب لوگوں نے کہنا یہ کھجور سے بنتی ہے, اس میں گھی بھی ڈلے گا, اس میں اور کیا ڈلے گا, اس میں سوجی بھی ڈلے گی, سوجی بھی ڈلے گی اور اس میں چینی بھی ڈلے گی اگر ضرورت ہو, ورنہ کھجور بہت میٹھی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اگین میل پارٹنرز نے لا کر اپنی فیمیل پارٹنرز کو دینا, اور ایک دفعہ ریسیپی سن لے ماریا سے کہ بنے گی کیسے تاکہ آپ سب لوگ اس کو بنا سکیں. اچھا سب سے پہلے تو کھجوروں کے ذکر کے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے بلوچستان کو, کیونکہ بلوچستان کی آدھے سے زیادہ جو ایریا ہے تربت مکران وہاں پہ کھجور پروڈیوس ہوتی ہے اور مہمان کی توازو کے لیے کھجور رکھی جاتی ہے, تو حلوہ بھی بنتا ہے کھجور گڑ میں بھی بنتا ہے. بدوش چونکہ لائف سٹائل ہے تو ڈرائی فروٹ ایون گوشت کو بھی ڈرائی کر کے رکھا جاتا ہے, دہی کو بھی دودھ کو بھی خشک کر کے رکھتے ہیں جس کو ہم لاندی کہتے ہیں پشتو میں, اور وہ ڈرائی جو گوشت ہوتا ہے اس کو ہینڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ سارے سال کھایا جاتا ہے, اور یہ وہی سمبلائز کرتا ہے شکار پہ نکلنے کو. اچھا اب حلوہ جو میں نے اپنے گھر میں بنتے ہوئے دیکھا, آج میں پہلی بار بناؤں گی, اس کے لیے آپ لوگوں کو کھجور چاہیے. بیس بنائیں گے پہلے ہم, کیونکہ اگر کھجور کو ہم ڈائریکٹ پکائیں گے تو وہ گھی کے ساتھ ظاہر چپک جائے گی, پین کے ساتھ چپک جائے گی. بیس بنانے کے لیے گھی کے اندر سوجی کو بھون لیں, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں, جلنی نہیں چاہیے سوجی. پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا پکائیں, اور پھر آپ نے اپنی مہارت اس میں ہے کہ کتنا اچھا کھجور میش ہوتا ہے اس بیس میں, جو کہ یہ ہے ریسیپی جو کہ اس وقت آپ لوگوں نے بنانی ہے. چیزیں ساری اکٹھی کریں گے, بھاگ کے لے کر آئیں گے, جو جلدی بنائے گا وہ جیت جائے گا. یقین ہے آپ کو چکھا دیا جائے, کیا ذمہ دار آپ کو دوں گی, چلے آ جائیں میں آپ کو چکھاتی ہوں. آئیے آئیے, میں آپ کو چکھاتی ہوں, اور دلہا دلہن آ جائے یار ہمارے بہت پیارے سے, آ جائے یہاں پہ, آ گیا آپ اس میں مزید کوئی مسالہ ایڈ نہ کریں. بہت پیارے ہیں آپ, پتہ ہے میرا فیورٹ کلر ہے, بس یہی لگانے, آپ نے میرا فیورٹ کلر پہنا ہے, بہت پیارا. بٹر نہیں ڈالا مکھن میں, بٹر نہیں ڈالا, کیسا ہے, مزے کا ہے, مزے کا. آنٹی بولڈ اٹ سو اوکے, ٹھیک ہے, تھینک یو. اب یہ والا چکھیں, گرم ہوگا, ٹیسٹ وائز یہ ہمارا زیادہ ٹیسٹی ہے. اچھا نہیں یہی ٹیسٹی ہے, دیکھ رہے ہیں ہمارا کتنی خوش ہوئی ہے مجھے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف رکھیں گی, تھینک یو. انہوں نے اس حلوے کو اچھا کہا ہے جس حلوے میں سوجی کچی ہے. ابھی ہمارے دلہا دلہن جو ہے وہ چکھیں گے, چکھو جلدی جلدی, آپ ادھر سے چکنا شروع کرو, اور سب کو آپ نے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ پیچھے ہے, مائرا بھی مائرا کے پیچھے, آپ لوگ پیچھے ہیں نا, پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں, نہیں پیچھے آپ کسی کو دباتے ہیں, ہمارا کچھ نہیں کر رہے, کیوں دیکھیں آپ اپنے حلوے پہ زیادہ نو چیٹنگ مائرا, نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں بولا, تو پیچھے اپنا کو پتہ کس کا ہے, نہیں مائرا یہ لڑکی والی بٹا کر رہی ہے, تو پیچھے پیچھے لڑکی میری فیورٹ ہے, یہ دولہے کو باہر جا کے ماریں گے, اور دولہے کا ڈریس تو بہت ہی پیارا ہے. اچھا کوئی ہوتا ہے نا اچھا, یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں, دلہن آپ کے آؤں, اچھا سب سے ہاں
जो सबसे फिका है वो फारिया और चांदरा वो सबसे अच्छा तलक अच्छा हाँ तो ये सही खजूर वाला बनाया है ये वाला तो ये वाला पता कभी खाया हो तो पता अच्छा जी सबने फर्क फर्क राय दी है मैं नहीं करूँगी आपने इस हलवे को सबसे बेहतरीन कहा आपका कोई हाल नहीं है ये सबसे सबसे ज्यादा ये बना हुआ है सबसे बुरा सबसे बैलेंस अच्छा ओके मैं ऐसा करती हूँ एक अपनी ऑडियंस आप आ जाइए आप आज सबसे ज्यादा ना मशकूक नजर से हम सबको देख रहे हैं इनको यकीन है कि हम सबका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है आइए आइए आप आ जाइए आइए आप बताइए ना जो आप घर में बनाते हैं फटाफट फौरन चखना है फटाफट चखना है ठीक है आगे नेक्स्ट वाला बेहतर अरे उनके नाखून तो देखेंगे आपने बताना है आंखों में किसका अच्छा है ये कच्ची सूजी आंटी को हमें सारे हलवे चेक करके करे मेरी इंसुलिन खराब हो जी इनकी बातों का बुरा नहीं माना पागल है आंटी थोड़ा सा हमारे खाते तो आंटी को शुगर भी नहीं होगी सबसे अच्छा ये वाला ये खजूर का है ये रहे खा के वो देखे ना खा के बताइए ये खजूर का ये बादाम का है जो आपको पसंद आएगा दोबारा यार पहले वाला तो सुनने दो जो आपको पसंद है दोबारा पहले वाला जी पहले वाला मायरा चुप सबसे पहले वाला हाँ कौन सा अच्छा ये वाला सबसे पहले वाला जो दूल्हे को पसंद आया दो वोट हो चुके हैं दो वोट हो चुके हैं लेकिन एक चीज कम खाता है एक ज्यादा खाता है लेकिन सबसे बैलेंस जो है ना वो हमारे वाले नहीं पापा नहीं बैलेंस एक 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 अच्छा सबसे बारीक लोग होते हैं खाने पीने शक्ल जो है ना बांका हलवाई हो गई है हलवे को घोट घोट नहीं सबसे ज्यादा खाने वाले लोग होते हैं कलाकार आप उनको खिलाएं तभी पता चल जाता है बिल्कुल आप तो हमें जिता दें नहीं 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 आप हमें नहीं आपको नहीं जिताना मैंने आप लोगों ने हलवा जो है ना अंड पर सीखा हमने तो बेमानी भी नहीं की है यार हमने तो बेमानी भी नहीं की सच बोल रहा हूँ उसको पहले भी मजा आना वाह जी वाह खान साहब नाम लगा लिए खान साहब उनका कहना होता पता नहीं कितना वधिया बहरहाल मैनू भूख लगी चलो 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 अब तक तो ये सारे ही विनर हो चुके हैं इसलिए कि सब लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा हलवा संदल और वाजिद खान ने बनाया है वाह 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 चीटिंग है चीटिंग नहीं 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 मैच देखिए कैसा हुआ ये देखिए हलवे का टेक्सचर देखिए हलवे का सूजी कच्ची नहीं है ब्राउन है अच्छा चीनी इनका भी बहुत अच्छा है ये मखड्डी हलवा आप लोगों ने खाया है किसी किसी ने पता है वो होता क्या है अरे अगर आपने हाँ तो वो ड्राई खुश्क होता था इन्होंने उस पैटर्न पे बनाया